कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 222 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 104, कांग्रेस को 78, जेडीएस को 37, बीएसपी को एक सीट मिली है। अन्य के खाते में एक सीट गई है। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की जनता से वादा किया कि कर्नाटक का विकास वो नहीं रुकने देंगे। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए जरूरी 112 सीटों के आंकड़े से सभी पार्टियां दूर हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उम्मीद नहीं खोई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर्नाटक की जनता को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि कर्नाटक को कांग्रेस मुक्त करने का काम कर्नाटक की जनता ने बड़े मन से किया है। 14 इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, ये 15वां इलेक्शन है जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त किया है। कर्नाटक में भले ही कांग्रेस 78 सीटों पर खिसक गई हो, लेकिन कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। जनता दल सेकुलर और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक संयुक्त पत्र कर्नाटक के सम्माननीय राज्यपाल जी को सरकार के गठन के लिए दिया। भारतीय जनता पार्टी, जो बहुमत के आंकड़े के कहीं नजदीक नहीं, अब एक षड्यंत्रकारी तरीके से एसआर बोमई केस का हवाला देकर स्वयं को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की दुहाई दे रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार येदुरप्पा ने भी राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश किया है। बीजेपी को कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायकों का समर्थन मिलने की भी खबरें आ रही हैं। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।